उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के बसौधी ग्राम पंचायत क्षेत्र से कभी पौराणिक नदी तमसा निकलती थी, लेकिन बदलते दौर के साथ तमसा के तकरीबन 25 किलोमीटर के इलाके को अतिक्रमण, कचरे और बाढ़ के साथ आने वाली मिट्टी ने पूरी तरह से निकल दिया। इसे देखते हुए 2018 में अयोध्या जिला प्रशासन ने तमसा नदी को पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया और साल भर में इसका 151 किलोमीटर लंबा सफर हर जगह 1.5 से 2 मीटर पानी से लबालब हो गया। मुहिम के तहत तमसा नदी के कुदरती रास्ते को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। जहां तमसा गायब हो चुकी थी, वहां खुदाई करके नदी का रास्ता बनाया गया। तमसा के जल ग्रहण क्षेत्र में तकरीबन 2 लाख पेड़ लगाए गए, 767 नए तालाब खोदे गए। जल ग्रहण क्षेत्र में भूजल के स्तर में खासा सुधार आया। हरियाली, फसल और पशुओं के लिए चारे की पैदावार में भी बहुत फर्क पड़ा और सिंचाई का खर्च काफी घट गया। अयोध्या जिला प्रशासन की इन्हीं उपलब्धियों को देखते हुए नॉर्थ जोन से बेस्ट रिवाइवल ऑफ रिवर कैटेगरी के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।